तो आ, हम लोग जमशेदपुर में एक, एक, अपना पहला परिचय हाँ वही हम लोग एक्सल आर जमशेदपुर कॉलेज से आए मेरा नाम है सौरदीप बासु हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं ये, ये मेरे सारे दोस्त हैं हमारे कॉलेज में जो पढ़ते हैं सारे तो आ, हम लोग को हम लोग कॉलेज से यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि यहाँ के जो मतलब जो ट्राइबल विलेजेस हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं ट्राइबल लोग हाँ उन लोग का रहन सहन कैसा है क्योंकि हम लोग सेम देश के ही निवासी है तो हम लोग आ, यहीं पे एक साथ रहते हैं सब लोग बट सबको सबके बारे में पता नहीं है पता नहीं है बिल्कुल तो हम लोग वही सीखने आए हैं कि यहाँ के लोगों के रहन सहन कैसा है हम लोगों से कितने अलग है या फिर कितने मिलते जुलते हैं हम लोगों से ताकि हम लोग को भी उनके बारे में पता चले हाँ यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है क्या नापसंद है लोगों को क्या सुविधा है क्या मुश्किल है क्या मुश्किलों से जाना पड़ता है लोगों को वो सभी सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा चीज़ लगा है यहाँ के लोगों का जो आप यहाँ पे हो हो लोगों का जो मान्यता का उत्पत्ति है जो पेड़ पौधे एंड जंगल से जो लगाव है जहाँ से यहाँ से वो लोग मानना स्टार्ट किए जैसे साल के पेड़ को ये लोग इतना पूछते हैं मानते हैं यहाँ पे फिर जंगल के ऊपर इन लोग का इतना भरोसा है कि और जंगल को मतलब किस कारण से पूछते हैं कि मतलब अगर चाहे तो ये लोग मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर के बिना कोई दवाई खाए हाँ यहाँ के जो बुजुर्ग है इतने मतलब स्ट्रोंग हैं अभी भी इन लोगों के शरीर में इतना शक्ति है जो हम लोग शहर के लोगों में नहीं है अभी भी तो मतलब जंगल से इन लोगों को कितना आ, सुविधा मिलता है यहाँ पे लोग और मतलब एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जैसे हम लोग जिस दीदी के घर में यहाँ पे रुके हुए थे हाँ यहाँ पे इतना बड़ा परिवार है इन लोगों का इतने सब लोग एक साथ रहते हैं ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को तो हम लोग वही सब सो बात कर रहे थे कि मतलब इतना अच्छा लगा और हम लोग यहाँ पे आए दीदी मतलब मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मेहमान आए हैं एकदम दीदी इतना अच्छी तरीके से हम लोगों को लेके हम लोग यहाँ पे रहे हैं इतना हम लोग का देखभाल किया दीदी ने तो यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे जिन लोगों से भी बात किए हम लोग जितने लोगों से भी बात किए इतने अच्छे तरीके से बात की हम लोग के साथ और बात करके हम लोगों को जो पता चला यहाँ के जो जोडी गाँव के मुंडा जी से बात किए फिर वहाँ के शिक्षक से बात किए उनके स्कूल के और फिर यहाँ के स्कूल के टीचर से भी बात किए हाँ जो मेन दुविधा है सब सब लोगों का एक ही बात है वो है शिक्षा भी। भी। शिक्षा का मुश्किल जो दो चीज़ है दो मेन मुद्दा है एक है कम शिक्षक यहाँ पे शिक्षक टीचर्स बहुत कम है जितने सारे बच्चे हैं उसके हिसाब से टीचर्स बहुत कम हैं और जो स्कूल का हालत है स्कूल का हालत भी मतलब जो पुराना बिल्डिंग जो घर जो पुराना है इतना टूट टूट गया है उसको ठीक करवाना वो एक चीज़ है बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल के बाहर ना जो जो डी में है ना यहाँ पे है तो उसके लिए शिक्षक को टीचर्स लोग को दिक्कत होता है और एक चीज़ है और एक दिक्कत है आपका यहाँ का जो भाषा है तो आ, सब लोग ही बोल रहे थे कि यहाँ का अभी का जो जनरेशन है वो धीरे धीरे यहाँ का भाषा भूलते जा रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कि मतलब मतलब उन लोग जैसे चेयर टेबल इंग, इंग्लिश शब्द तो पता चल जाता है या फिर हिंदी शब्द पता चल जाता है बट अपने अपना मातृभाषा जो है जैसे मैं बंगाली हूँ मुझे अपना मातृभाषा सब कुछ अच्छी तरीके से पता है कौन सी चीज़ को अपने बंगाली में क्या बोलते हैं बट यहाँ के लोगों को और यहाँ पर जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बत्तीस ट्राइब्स है यहाँ पर और कम से कम पाँच छः पाँच छः लिपि तो है पांच छः स्क्रिप्ट है बाकी लोग शायद देवनागरी यूज़ करते हैं बट जहाँ पे जिस भाषा का खुद का लिपि है वहाँ पे उस भाषा को मरने नहीं दिया जा सकता मतलब एक लिपि जहाँ पे खुद का है वहाँ पे तो वो जब जिस जिन लोगों का खुद का लिपि है उन लोगों को वो भाषा सीखना ही चाहिए ये बात तो है तो मुझे लगता है ये सबसे मतलब बाहर के दुनिया को ये जानना चाहिए एंड ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के भाषा को हम लोग खो नहीं सकते जिन लोग का जो लिपि है वो खुद वो लिपि रखना है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी इतिहास में बहुत सारी ऐसी भाषा है बहुत सारी लिपियाँ देश विदेश में जो खो गए हैं दिल्के दिल्के। तो अभी जहाँ पे हम लोग का इतना टेक्निकल इतने हम लोग आगे बढ़ चुके हैं टेक्निकली हाँ हम लोग मतलब हम लोग को पता है कि क्या करना चाहिए हम लोग जो चीज़ हम लोग इतिहास से सीख सीखते हुए आए हैं तो वही आ, गलती दोबारा हम लोग नहीं कर सकते वही गलती तो मेरा मानना वही है एक तो यहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ाना है और यहाँ का जो लोकल भाषा है लोकल भाषा है उसको हम लोग वो सिखाना है लोगों को जैसे आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे सब स्कूल में लोकल भाषा सिखाया नहीं जाता सिर्फ कुछ ही स्कूल है जो टाटा के द्वारा किया जाता है बट बाकी सब स्कूल में भी एटलीस्ट एक शिक्षक होने चाहिए जो लोकल भाषा सिखाए सब लोगों को बिल्कुल मेरा मानना यही है पूछना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग वहाँ पर अपने गए वहाँ पर कुछ जानकारी हासिल की है तो आपने जो वहाँ पर हासिल किए जानकारी तो आपको सबसे अच्छा और सबसे खास क्या लगा सबसे अच्छा जैसे मुझे पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है मतलब मतलब ये जंगल को पूजने वाली बात जैसे दीदी बोल रही थी आप मतलब भगवान का रूप मतलब भगवान के रूप के हिसाब से पेड़ को भगवान के रूप के हिसाब से मानते हैं क्योंकि पेड़ से ही पेड़ जब पौधे पे से ही सब अपना जीवन मिलता है हम लोग को तो मुझे ये बात सबसे मतलब वो बात है ना कि मतलब लॉजिकली बहुत सही लगा कि हाँ मतलब जिनसे हम लोग का जीवन है उन्हीं को हम लोग माने हम लोग देख पा रहे हैं इनको एक पेड़ एक पेड़ को हम लोग देख पा रहे हैं और देख रहे हैं हाँ यही ऑक्सीजन देता है यही फल देता है यही फूल देता है और हम लोग उसी से मतलब वहीं से हम लोग का खाना भी आ रहा है हम लोग सांस भी ले रहे हैं तो पूजना तो हमको उनको, उनको ही चाहिए उनको चाहिए बिल्कुल तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से अब लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से आज आए हुए हैं उन लोग को इस तरह से जानकारी बहुत अच्छा मिला अच्छा ये ऑटो लास्ट एक्टू क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ जो है कम्युनिटी का है यहाँ पर हम लोग का मुंडा बन की व्यवस्था चलता है तो इसके बारे में आप लोग Uh, कितना जानकारी मिला इसमें भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए तो यहाँ पे जैसे मतलब ये कोई भी और पंचायत के जैसा नहीं है देश में जैसे और गांव है वहाँ से थोड़ा सा अलग है यहाँ पे यहाँ का शासन व्यवस्था यहाँ का जुडिशरी जो कोर्ट कोर्ट कचहरी का जो जो व्यवस्था है वो अलग है और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है अगर भारत सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके इसमें क्योंकि लास्ट में जाके तो मतलब बहुत कुछ अगर बहुत बड़ा मुद्दा बनता है तो हम लोग तो कोर्ट कचहरी यहाँ से भी मुंडा जी बोल रहे थे जोजोडी गांव के मुंडा जी बोल रहे थे जब बहुत बड़ा मुद्दा अगर बन जाता है तो वो तो बाहर में कोर्ट में जाना ही पड़ता है बट अगर जो चीज़ है कि यहाँ पर अगर गाँव गाँव की बातें गाँव में ही सुलझ जाती है तो वो हमेशा वैसा होना चाहिए तो ये मुंडा मुंडा व्यवस्था जो यहाँ पर लागू है अभी भी मुझे लगता है ये सही है अगर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी को कोई कंप्लेन नहीं है उस चीज़ को लेकर हाँ बाहर भारत सरकार को या बाहर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेकर तो मुझे नहीं मुझे लगता है कि बहुत सही है बहुत सही है घर का घर का घर में जो झमेला हो रहा है घर में घर का जो इश्यू वो घर में ही हम लोग सॉल्व करें बाहर लोगों को पता पता लगने का तो कोई ज़रूरत है नहीं उस चीज़ में तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा में बहुत अच्छा जानकारी दिए इसके लिए मैं मस्क की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहर जोहर जोह शुक्रिया जोहर। इस चीज़ को आ, जिस तरह से मुंडा जी ने बताया तो हम लोग का जो सबसे गांव का जो सबसे बड़ा होता है वो मुंडा होता है हाँ। उसके बाद फिर मणकी होता है वो बारह मावजा का या बारह गांव का एक मणकी होता है अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हम लोग का जो है हाई कोर्ट मुंडा है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मणकी है अगर जो यहाँ गांव का जो है समस्या अगर मुंडा अगर नहीं समाधान कर सकता है तो ऐसे सिचुएशन में वो तो मंडकी के यहाँ बेच देता है की उसमें की। उस पैनल है उसमें अच्छा वहाँ पे पैनल हाँ,